लगता है धूल भरी स्थिति में बॉल नीचा रहेगी। बल्लेबाज को कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। टॉस का समय, दोनों कप्तान मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। हेड्स मांगा है और ये हेड्स। बल्लेबाजी क्रम तय हो चुका है। आज एक बड़े ही उत्सव स्पिन का समय, आक्रमण के लिए आ रहे ऑफ स्पिनर। इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया इस धमाकेदार शॉट से, उठा दिया 4 रन के लिए। क्या गर्मा गर्म शुरुआत हुई है, पहली गेंद पे ही चौका जड़ दिया। सही से टाइम नहीं कर पाए, फील्डर को चीरती हुई बॉल निकल गई। उम्दा टाइमिंग, क्या ये बाउंड्रीज की हैट्रिक होगी। अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, बढ़िया थ्रो। गेंद सीधा विकेटों में लगी, लेकिन समय पर पहुंच गए, कोई रन आउट नहीं। बहुत सुंदर स्वीप, गेंद फील्ड को चीरते हुए निकल गई। एक और चौका, गेंदबाज ने अपने सारे हथियार आजमा लिए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। इस बार गेंद के नीचे आए और लॉक कर दिया 6 रन के लिए ओवर की अंतिम गेंद पर। ये ओवर ऐसा लंगर था कि जितना चाहे खा लो, महंगा ओवर लेकिन बैट टीम के लिए बहुत लाभदायक। मौसम की परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल, खराब रोशनी की वजह से खेल थोड़ा रोका जा सकता है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर, गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। बोल्ड किया, बल्लेबाज आउट। नए बल्लेबाज आते हुए इनको टीम प्लान के मुताबिक खेलकर पारी को संभालना होगा। नासा के रॉकेट के साथ गेंद भी चली। फील्डर्स मैदान में जा रहे हैं। इसको बेसिक क्रिकेट खेलना चाहिए, बस अपना नेचुरल गेम खेले। क्षेत्ररक्षक थोड़े हताश, बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ जाएं तो सबके लिए मुश्किल उत्पन्न कर देती हैं। आगे बढ़े और उठा दिया ऑनसाइड की तरफ, और ये 4 रन, सुंदर शॉट, कदमों का सही इस्तेमाल। लगता है गेंदबाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, पहली गेंद पे ही चौका। साइड पर क्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए। इस जोड़ी के बीच अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, बढ़िया थ्रो। पिच से उठती हुई गेंद को जाने दिया बल्लेबाज ने, गेंदबाज की भावनाओं को थोड़ी ठेस लगी। बारिश शुरू हो चुकी है, दोनों अंपायर विचार विमर्श करते हुए। शायद अब दोनों टीमों को ड्रेसिंग रूम जाना पड़ेगा। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। मैच अब थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गया। बीवी का गुस्सा और रात कभी भी आ सकती है कवर्स ग्राउंड पर आते हुए। बारिश रुकी, कवर्स हटे, काम पर वापस।
इस थोड़ी सी बारिश ने पिच पर ओस के धब्बे जरूर बना दिए हैं। बॉलर्स को थोड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन बाउंड्रीज करने में दिक्कत आएगी। डकवर्थ लुईस से भी कोई राहत नहीं मिली आज। बहुत सुंदर स्वीप गेंद फील्ड को चीरते हुए निकल गई। लगता है बॉल बाउंड्री तक जाएगी और चली गई 4 रन। स्किपर्स गेंद फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फेंका। आगे बढ़े और उठा दिया कवर्स के ऊपर से कुछ और रन। और ये स्लाइस कर दिया 6 रन के लिए। गेंद गई हवाई यात्रा पर बिना टिकट, 6 रन और मिलेंगे। दोनों बल्लेबाज इस पारी में एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए। छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, कमाल है।